मगन है, इसके चार प्लैनेट हैं, राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड। इन सब का संबंध 1, 7 और 10 से होना चाहिए। अब हम देखते हैं सूर्य, सन। सन इज इन द स्टार ऑफ शनि एंड सब इज मरकरी। शनि मेरा 1 में है और मरकरी मेरा शनि का पीएस है, तो शनि अगर पीएस है और ये पहले घर में आ जाता है तो ये अपने आप सिग्निफिकेटर बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं शनि मेरा 7वें घर में भी आ गया है, समझे ना, और 10वें घर में भी आ गया है। तो शनि मेरा तीनों घरों में जाने से ऑटोमेटिकली ये 1, 7 और 10 तीनों का सिग्निफिकेटर बन गया। केतु, केतु इज, केतु का पीएस है, केतु हमारा लगन में आ गया, अगेन ये खुद पहले घर का सिग्निफिकेटर बन गया और सब ऑफ वीनस, और वीनस केतु फिर मेरा 7th हाउस में भी है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज सिग्निफिकेटर ऑफ 1st and 7th हाउस। नाउ वीनस, वीनस इज जुपिटर केतु, वीनस मेरा जुपिटर है, जुपिटर मेरा 10वें घर में है और केतु मेरा 7वें घर में भी है और लगन में भी है। अब हमने शनि को देखते हैं, शनि मेरा अगेन इसका पोजिशनल स्टेटस है और वो पहले घर में है, 7वें घर में है और 10वें घर में है, तो वो ऑटोमेटिकली तीनों घरों का सिग्निफिकेटर बन गया। अब हम मून के प्लैनेट्स को देखते हैं, मून मून के नक्षत्र में है, मून इज शनि राहु, शनि मेरा 1 में है, राहु मेरा 10वें में है। शनि को मैंने अभी नीचे चेक किया ही है, राहु को देखते हैं, राहु इज राहु वीनस, राहु का पीएस है, राहु 10वें घर में है और वीनस मेरा लगन में है। वीनस को हम चेक करते हैं, वीनस मैंने अभी नीचे लगन में चेक किया है। अब हम चेक करते हैं सन के प्लैनेट, मून है, मून हमने नीचे चेक किया है, शनि को भी नीचे चेक किया है, मरकरी को देखते हैं, मरकरी इज केतु वीनस, केतु मेरा 1 में है, 7 में है और वीनस मेरा लगन में है, समझे। अब हम आते हैं सन के ऊपर, सन मैंने ऑलरेडी या लगन का साइन लॉर्ड था उसको चेक किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि लगन के, चंद्रमा के और सूर्य के सारे प्लैनेट लगन से 7वें घर से 10वें घर से संबंध बनाते हैं। तो हम ये समझेंगे कि हमने जो नेसेसरी कंडीशन है वो वेरीफाई कर ली है एंड इट फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गिविंग बर्थ टू द फादर ऑफ द नेटिव। सो वी टेक इट दिस टाइम वी फिक्स्ड 7/37/43 इन प्लेस ऑफ 7/35 गिवन बाय द जातक फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ हिज बर्थ टाइम। अब इसके बाद जरूरत पड़ती है वेरिफिकेशन ऑफ मेजर पास्ट इवेंट्स। अब मेजर पास्ट इवेंट्स के लिए हमको बच्चे की बहुत सारी चीज़ें, या उसके ग्रैंडफादर की, या उसके फादर की, या उसके ब्लड रिलेटेड भाई बहनों की जो इवेंट्स हैं जो घट गई हैं वो इस चार्ट से टैली होनी चाहिए। या बच्चे की हम कई बार उसकी हेल्थ है, लॉन्गेविटी है, एजुकेशन है, जॉब है, बिजनेस है, मैरिज है, प्रोजनी है, सिकनेस है, गोइंग अब्रॉड, नेम फेम एटसेट्रा वेरीफाई कर सकते हैं एज पर द सिग्निफिकेटर्स ऑफ दीज हाउसेज लिंकिंग इट विद दशा पीरियड एंड ट्रांजिट। सो दस वी कंप्लीट इट हियर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। थैंक्स। आपको परसेंटेज ऑफ आर्क के बारे में बताया था कि हमको जो परसेंटेज ऑफ आर्क है वो मेल फीमेल के हिसाब से अनुसार से लगन की, 3rd हाउस की, 11th हाउस की, 5th हाउस की, 7th हाउस की कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी चार्ट में बताया कि छोटे भाई बहन की आर्क, बड़े भाई बहन की आर्क, 1st चाइल्ड की आर्क, 7th
सेकंड चाइल्ड की 11th हाउस की आर को फिक्स किया, तो ये और कंफर्मेशन कर देता है कि हमारा चार्ट किस हद तक हमने इसको रेक्टिफाई किया है। इस प्रकार जो हमारी इवेंट्स हैं उसके अनुसार जब हैपनिंग के साथ हम इसको समय समय पर चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने इसको रेक्टिफाई किया है कितनी हद तक हमारा ये सही है। हम जो हमारी प्राण दशा है इसके अंदर दर्शाती है वो उसके अनुसार होने वाले इवेंट्स को हम उस दिन उस टाइम पर उन घरों के सिग्निफिकेटर के साथ टैली करके चेक कर सकते हैं। ये हमारा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने का जो फार्मूला था वो मैंने आपको पूर्ण रूप से समझा दिया है। इस पर किसी भी की कोई भी प्रतिक्रिया है, कोई जानकारी है, कोई कमेंट्स है, कोई क्वेरी है, वो ऑलवेज वेलकम्ड है। और वो हमको हमारे नंबरों पर फ़ोन करके, मैसेज देके या ईमेल पर हमारे डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू। अपने कमेंट्स दीजिए।